जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, इसकी सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा। लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कॉम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि कंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने ISI को पठानकोट का निरीक्षण करने तो नहीं बुलाया था।